अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे आप सब। मैं भी ठीक हूँ आप सब की दुआओं की वजह से। वेलकम बैक टू अरीज की दुनिया, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स, गुड मॉर्निंग। नए दिन नई उम्मीद के साथ मैं करने लगी हूँ अपना व्लॉग शुरू। तो जी आज मैंने नाश्ते में बनाया है अंडा और उसके साथ मैं ले रही हूँ चाय। और चाय मैं बहुत मज़ेदार सी बनाती हूँ और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत बहुत अच्छी चाय बनती है और साथ में ना मैं इलायची ज़रूर चाय में शामिल करती हूँ। तो जी नाश्ता करने के बाद ना मैंने किए थे कपड़े वॉश और साथ में ना मैंने कल बेडशीट भी चेंज की थी। रूम को अच्छी तरीके से क्लीन किया था तो बेडशीट वगैरह भी मैंने वॉश कर दी हैं आज। और आज ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी, सर्दी बहुत बहुत मुझे पसंद है। और साथ में ना यहाँ पर कपड़े अच्छी तरीके से मैंने फैला दिए थे क्योंकि कपड़े ड्रायर हो चुके हैं और साथ में बेडशीट वगैरह भी ड्राई हो चुकी है। और उसके बाद ना मैं बनाऊँगी बहुत मज़ेदार से चने। अगर आपको भी पसंद है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। कुछ दिन पहले भाई लाए थे चने तो यहाँ पर मैंने चनों को ना अच्छी तरीके से वॉश करके फ्राई पैन में शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है। अब मैं कवर करके हल्की आंच पर रख दूँगी ताकि चने अच्छी तरीके से पक जाएँ और उसके बाद हम खाएँगे। और ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही मेरे बहुत ज़्यादा ये फेवरेट है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मेरे नए आने वाले व्लॉग्स आपके पास आ सकें। मेरे जो व्लॉग्स हैं वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू। तो जी चनों का पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका था, उसके बाद ना मैंने चनों को किया था रोस्ट। और रोस्ट करने के बाद ये चने बहुत मज़ेदार से बनते हैं और उसके बाद हम सब ने खाए थे। और साथ में ना मैंने बनाया था खाना और आज मैं बहुत आपके साथ मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत मज़ेदार सी बनती है और कम टाइम में बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत अच्छी कढ़ाई बन जाती है चिकन की। यहाँ पर ना मैं फ्रीज़र से चिकन लेके आ गई थी। तो जी यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई में चिकन शामिल कर दिया है और चिकन शामिल करने के बाद ना मैंने टमाटर शामिल किए थे। दो हिस्सों में ना मैंने टमाटर को कट किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। चार ना मैंने टमाटर ऐड किए हैं और साथ में मैंने नमक शामिल किया है और साथ में मैंने लहसुन शामिल की है। और लहसुन शामिल करने के बाद मैं कवर करके रख दूँगी कढ़ाई को। तो जी मैं ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चिकन कढ़ाई बनाती हूँ और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। जब भी मैं चिकन कढ़ाई बनाती हूँ या सब्ज़ियाँ बनाती हूँ तो आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। तो जी यहाँ पर मैंने आपको सारा मेथड दिखा दिया है चिकन कढ़ाई का। अगर आप गेस्ट आने वाले हों और आपके जहन में अगर कोई आइडिया ना हो तो आप ये चिकन कढ़ाई भी बना सकते हैं। ये नान के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और रोटी के साथ भी ये चिकन कढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में ये मेरे हाथ की सब घर वालों को बहुत बहुत अच्छी लगती है ये चिकन कढ़ाई। अब मैं चिकन कढ़ाई को यहाँ पर कवर करके रख दूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो जाए, गल जाए। और ये चिकन और टमाटर ना 20 मिनट के लिए ना मैंने चिकन कढ़ाई को कवर करके रख दिया था। तो 20 मिनट के बाद ना मैंने कवर हटा दिया है चिकन कढ़ाई का और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकन अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो चुका है। और थोड़ा सा मोबाइल कैमरा का इशू हो रहा था क्योंकि मोबाइल थोड़ा स्टीम की वजह से क्लियर नहीं दिखा रहा था आपको। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल को सेट कर दिया है। स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ यहाँ पर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से टमाटर की भुनाई कर रही हूँ और भुनाई की थी मैंने सारे टमाटर की और अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने मिक्स भी किया था चिकन को और टमाटर को। और चिकन को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो चिकन की बूटियाँ हैं वो टूट ना जाएं। और उसके बाद हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल और साथ में हम करेंगे चिकन कढ़ाई की भुनाई
और ये ज़रूरी है कि जब आप कवर हटाएंगी चिकन कढ़ाई का, तो आप टमाटर की अच्छी तरीके से भुनाई करेंगी, और टमाटर जो हैं वो तो स्टीम में ही अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो जाते हैं, और लहसुन भी अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो चुकी थी। लहसुन को भी मैंने कूट दिया है यहाँ पर चम्मच की मदद से। तो जी टमाटर और चिकन की अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स करने के बाद ना, मैंने शान का जो पैकेट मसाला, कढ़ाई मसाला मिलता है, वो भी शामिल कर दिया है, और इससे ना डबल टेस्ट आता है अगर आप घर के मसाले भी ऐड करें चिकन कढ़ाई में, और शान का पैकेट वाला मसाला भी ऐड करें, इससे बहुत बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है, वो भी मैंने शामिल किया है। और कढ़ाई को मैंने इस स्टेज पर कुकिंग ऑयल शामिल किया था, और उसके बाद मैंने चिकन कढ़ाई की भुनाई की है। भुनाई से बहुत बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है, और जितना आपको अपने हिसाब से चिकन कढ़ाई ड्राई रखनी हो आप उतनी ड्राई रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से मसाला ऐड कर दिया है चिकन कढ़ाई में, और उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स किया है। तो जी यहाँ पर चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब मैं शामिल करूँगी चिकन कढ़ाई में हरा धनिया, और हरा धनिया ना मैं जैसे ही आता है तो डंडियों से निकाल कर बॉक्स में रख देती हूँ, और उसके बाद जब भी मुझे बनाना होता है या किसी चीज़ में शामिल करना होता है तो मैं बॉक्स से निकाल कर अच्छी तरीके से वॉश करके फिर शामिल कर देती हूँ चिकन कढ़ाई में। और यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है, और चिकन कढ़ाई से ना बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और साथ में मैंने ऐड किया है पिसा हुआ गरम मसाला। चिकन कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, और आपको दिखा रही हूँ चिकन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। आप ना मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, झटपट की हमारी रेसिपी। तो जी कढ़ाई के साथ ना मैंने बनाए थे वाइट राइस, और उसके बाद मुझे लगी थी भूख जहाँ पर मैंने अपने लिए प्लेट बनाई, और आपको अपनी प्लेट की फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ, और साथ में था रायता। मज़ेदार सा डिनर रेडी हो चुका है जो मैं खा रही हूँ। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।